भारतीय जनता पार्टी के विचार के रूप में कार्यकर्ता बदलकर योग्य हो जाए, उससे योग्य कार्यकर्ता के पद से कितनी भी बड़ी ताकत हटा नहीं सकती। संगठन और सत्ता में बैठे लोग बदलते रहते हैं, लेकिन योग्य कार्यकर्ता उचित स्थान पर रहकर सम्मान प्राप्त करता है। ये विचार मुरैना सांसद एवं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में मंच और मंच के सामने बैठने वाला कार्यकर्ता समान है। आज सुबह भारतीय जनता पार्टी के चंबल संभागीय कार्यालय का भूमि पूजन करने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित कर रहे थे। तोमर ने कहा कि भवन निर्माण की सभी औपचारिकताएं आज पूरी कर आगामी एक वर्ष में निर्माण पूर्ण हो जाना चाहिए। इस कार्यालय के निर्माण से पंडित दीनदयाल उपाध्याय व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार होता दिख रहा है। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो सांसद बी डी शर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की, इस रचना में प्रत्येक कार्यकर्ता अपना सहयोग करेगा तो भव्य व व्यवस्थित कार्यालय खड़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के 11 जिलों में कार्यालय निर्माण होना है, इनमें से 6 जिलों में कार्यालय निर्माण का कार्य संचालित है। चंबल संभाग के मुख्यालय मुरैना पर भारतीय जनता पार्टी ने 1,10,00,000 कीमत से 20,000 फुट से अधिक की भूमि शासन से क्रय की है। इस पर 22,00,000 रुपए रजिस्ट्री का खर्चा हुआ है। आज सुबह इस भूमि पर कार्यालय भवन का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा संगठन महामंत्री तथा प्रदेश संभाग जिला मंडल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता तथा निगम चेयरमैन गण उपस्थित थे। आज चंबल संभाग के केंद्र मुरैना में मुरैना जिले के कार्यालय का भूमि पूजन संपन्न हुआ है। हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर और हम सब लोगों ने मिलकर आज कार्यालय का भूमि पूजन किया है। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी माननीय अमित शाह जी और माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जिस प्रकार से हम काम को गति दे रहे हैं, तो काम के विस्तार और काम के सुदृढ़ता के लिए कार्यालय भी एक अमुख हमारा हिस्सा है। इसलिए इस नाते से मध्य प्रदेश के हमारे कुछ कार्यालय अभी जो बचे थे उनमें एक मुरैना का कार्यालय था, आज उस काम की शुरुआत हो रही है। मैं मुरैना जिले के सभी कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए बधाई और शुभकामनाएं। ऐसे ऊपर में तो बना हुआ है, भिंड भी जमीन का सारी तैयारी होगी और जल्दी ही वहां भी भूमि पूजन होगा। आज मेरे लिए तो निश्चित रूप से प्रसन्नता का पारावार नहीं है कि जब इस क्षण में प्रदेश अध्यक्ष जी की उपस्थिति में हम कार्यालय का भूमि पूजन कर रहे हैं। हमारी पार्टी की जो यात्रा है वो एक विशेष प्रयोजन से आरंभ हुए। 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ का गठन किया था। वो कालखंड ऐसा कालखंड था कि जब जनसंघ के पास 10-20 लोग होना यह मुश्किल की बात होती थी। जितना लोग इस कार्यक्रम में बैठे हैं शायद उस जमाने में इतना लोग जनसंघ के राष्ट्रीय सम्मेलन में भी नहीं रहे होंगे। लेकिन आप सोचो कि जीरो पर खड़े होकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय जनसंघ को खड़ा किया और इस मनोयोग के साथ खड़ा किया कि आने वाले कल में जब नेहरू का चिंतन इस देश को समाधान नहीं दे पाएगा तो मेरी विचार यात्रा सरकार के माध्यम से लोकतंत्र में हिंदुस्तान की समस्याओं को भी समाधान देगी और पूरी दुनिया में अगर शांति का दिग्दर्शन कराना है तो भारतीय जनता पार्टी का ही चिंतन दुनिया को समाधान देने के लिए काम आएगा। यह विचार मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।